गुरु जी इसको कम करने का बताओ ना तरीका, क्या होता है क्या होता है बताओ ना। सुनो बेटे, 1000 क्रंचेस और 2000 साइड बेंड मार ले और पंखा ना चलाइयो गलती से भी, समझ आ गई? और 4 जैकेट और डाल लियो, पसीना आना चाहिए तभी तो फैट कटेगा ना। चल जाए काम पे लग जाए। चल ठीक है गुरु जी, अभी अभी करके आ रहा हूँ, करके आ रहा हूँ। क्या आप भी ये गलतियां करते हैं या आपको कोई कहता है ऐसा करने के लिए? अगर हाँ तो वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ पूरा सच जानने के लिए स्पॉट डिडक्शन के बारे में। सो गाइस, स्पॉट डिडक्शन पे आने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फैट लॉस के लिए। फर्स्ट, आपका कैलोरी डेफिसिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं समझाऊं तो कंज्यूमिंग लेस कैलोरीज देन यू आर बर्निंग। और सेकंड हमारा होता है मैक्रोस को कैसे हम स्प्लिट करते हैं, मैक्रोस की रेशियो क्या होनी चाहिए आपके इंडिविजुअल के हिसाब से। तो इसमें हम प्रोटीन यूजुअली हाई रखते हैं फैट लॉस के टाइम, ताकि हम मसल प्रिजर्व कर पाएं। और जनरल रिकमेंडेशन इसमें यही है कि आप 2 से 2.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखें। ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, बट ये जनरल रिकमेंडेशन है। और गाइज, हमारा तीसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वही जिससे हम अपनी मसल को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को एक रीज़न मिले कि वो मसल प्रिजर्व कर पाए उस हार्ड टाइम पे फैट लॉस के, जिस टाइम बॉडी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है फैट लॉस का। अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इनके साथ छोटे छोटे और भी फैक्टर्स होते हैं फैट लॉस के लिए, वो भी मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप बोर हो जाओगे। अब हम चलते हैं स्पॉट रिडक्शन के ऊपर। स्पॉट रिडक्शन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, आपको अपने पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट या बॉडी के एरिया से फैट लूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, योर बेली फैट और योर साइड फैट और योर फेस फैट, ठीक है? तो 2017 में एक स्टडी आई थी, उससे पहले इसको एक कम्प्लीटली मिथ माना जाता था। और ये होता था कि जब आप फैट लॉस करते हो तो आपकी बॉडी पहले कहाँ से ज़्यादा फैट लूज करेगी और कहाँ से एंड में करेगी और कितना स्लो किस एरिया से करेगी और कितना फास्ट किस एरिया से करेगी, ये टोटली आपकी बॉडी में डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करता है। बट जो ये 2017 की स्टडी है, इसमें प्रूव करा गया कि स्पॉट रिडक्शन भी पॉसिबल है। yes! तो इस स्टडी में दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड करे गए थे। पहला ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी ट्रेन करता था, और सेकंड ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लोअर बॉडी ट्रेन करता था। और दोनों ही ग्रुप्स अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करते थे 30 मिनट के लिए। तो इस स्टडी में ये पाया गया कि जो पहला ग्रुप था जो अपर बॉडी ट्रेन करता था, उनका फैट लॉस ज़्यादा हुआ अपनी अपर बॉडी में एज़ कम्पेयर टू देयर लोअर बॉडी। और जो दूसरा ग्रुप था जो लोअर बॉडी ट्रेन करता था, उनका ऐसा हुआ कि उनका ज़्यादा फैट लॉस हुआ लोअर बॉडी पे एज़ कम्पेयर टू देयर अपर बॉडी, बट दोनों का नेट फैट लॉस अपनी बॉडी से सिमिलर था। तो इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी परफॉर्म सम काइंड ऑफ कार्डियो आफ्टर अ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप किसी टारगेटेड मसल को रेजिस्टेंस के साथ ट्रेन करते हो, तो उसके आसपास के फैट टिश्यूज में भी ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो फैट टिश्यूज आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। और जब आप उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद अब थोड़ी देर के लिए लाइट इंटेंसिटी कार्डियो करते हो, तो उसमें आपकी बॉडी प्राइमरीली फैट को एज अ फ्यूल यूज करती है। बट अगर अब आपकी ब्लड स्ट्रीम में फैट टिश्यूज है और आप लो इंटेंसिटी कार्डियो नहीं कर रहे हो अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद, तो वो फैट टिश्यूज आपकी बॉडी में दोबारा एज अ फैट स्टोर हो जाएंगे। सो गाइस, ये इकलौती स्टडी है जो कि बताती है कि स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल। बाकी जो भी स्टडीज है 2017 से पहले की, वो सारी की सारी अगेंस्ट है स्पॉट रिडक्शन के। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो बेसिक्स हैं फैट लॉस के लिए, जो मैंने बताया कैलोरी डेफिसिट, मैक्रोस चेक में रखना और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और भी छोटे छोटे फैक्टर्स जिसके बारे में डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में, तो बेटर यही होगा कि आप उन बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जब तक कि और स्टडीज़ इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आती हैं। और अगर आप चाहते भी हैं कि आप एक टारगेटेड एरिया से आप फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इसको अपना सकते हैं, इट माइट हेल्प यू। बट वो बेसिक्स फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पॉट रिडक्शन चाहते हो, तब भी आपको कैलोरी डेफिसिट में होना पड़ेगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फैट लॉस के फैक्टर्स पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं अपनी वीडियो में, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे सीधा DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइज, दिस इज अमन, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।